अगर रेसलमेनिया में जो मैच है ना रॉक के साथ, उसमें भी रोमन रेंज ने अगर बेईमानी की तो देख लेना, फिर जॉन सीना आएगा और ऐसी मारेगा ना रोमन रेंज, जो उनकी पूरी है फैमिली की ट्राइबल से, फिर ना उसका ट्राइबल से निकाल देगा रोमन रेंज। तो भाई आप सबको पता है कि भाई रेसलमेनिया में रॉक विच रोमन रेंज का फाइनल हो गया है, कंफर्म हो गया है कि ये दोनों चाचा भतीजा के बीच में मैच होने वाला है। लेकिन आज तक आपने देखा जब से रोमन रेंज बदल के आया पूरा, जब से रोमन रेंज भाई ट्रेबल शिप बना, जब से बेईमानी किए बिना एक भी मैच नहीं जीता। जब भी हारने वाला होता है तो 16 सिक्को या उसको साके उनकी मदद करते हैं, वो ऐसे रोमन रेंज को जीता देते हैं। आप कोई भी मैच उठा के देख लो, जब से रोमन रेंज बदल के आए, उसने अपनी फैमिली बनाई पूरी, तब से ब्लड लाइन ज्वाइन की ना सब ने, तब से रोमन रेंज चीटर हो गए। रोमन रेंज को सब चीटर ही बोलते हैं, क्योंकि हर बार हर मैच में बेईमानी करता है। मैच छोटा हो या बड़ा हो, रोमन रेंज जब भी हारने लगता है तो बेईमानी करने लगता है। रोमन रेंज और रॉक के बीच में जो मैच हो गया उसमें भी 16 सिक्को या उससे बदर आके उनकी फैमिली में बीच में आकर रोमन रेंज को जिताते हैं, या दोनों के बीच में नहीं आते। क्या रोमन रेंज बेईमानी करके रॉक के साथ भी बेईमानी करके जीत सकता है? अगर ऐसा हुआ और उस ब्रदर ने आकर रोमन रेंज की हेल्प की, तो शायद रॉक की हेल्प करने के लिए भाई जॉन सीना आ सकता है, क्योंकि रेसलमेनिया हो और जॉन सीना नहीं आता, ऐसा कभी हो सकता है। और दोनों वैसे अच्छे दोस्त भी हैं। हमें नहीं, मैं नहीं चाहता कि रोमन रेंज कोई भी बेईमानी करके जीते यार। एक तो अपने ऑनेस्टली हक से जीतो यार मैच, तो हम कह रहे कि नहीं हमारा बिग डॉग है यार। हमें नया रोमन रेंज चाहिए नहीं है, ट्राइबल शिप या ब्लड लाइन वाला, हमें पुराना रोमन रेंज चाहिए जो कि पंच वाला था, कभी बेईमानी नहीं करता था, सब ये बेईमानी नहीं करता सब करते थे, अब ये करने लगा तो कोई नहीं करता, बोलते हैं ना बदल गया सब, ऐसे ही है। तो देखना होगा दोस्तों क्या होगा रेसलमेनिया में, आप भी देखते रहिए, मज़ा आएगा देखने के लिए। दोनों के बीच में मैच बड़ी टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी। अगर रॉक जीत गया तो रॉक को फिर से डिफेंड करनी होगी किसी ना किसी के साथ, और चलता है।